ये एक नया फ्रेश व्लॉग शुरू हो गया है। पिछले व्लॉग में थे हम लोग सस्पेंशन ब्रिज में और हम लोग गए थे 180 डिग्री 3D थिएटर, और अभी हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑटो में है, टोटो में है, और हम लोग जा रहे हैं राइफल शूटिंग का जो रेंज है जहाँ पे ये एक्टिविटीज कराई जाती हैं वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए, ये रहा ट्री हाउस। अभी तक तो ट्री हाउस मैंने सिंचैन, डोरेमोन, जो बचपन में मैंने कार्टून देखे हैं उसी में देखा है, आज रियल लाइफ में भी देख लिया। अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे राइफल शूटिंग करने के लिए और कैंटीन में कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए, क्योंकि सुबह में जो हमने नाश्ता किया था वो अब तक पच चुका है। हम लोग थोड़ा कुछ खाना खाएंगे, थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे राइफल शूटिंग करने के लिए, उसके बाद फिर आगे का प्लान देखते हैं। ये देखिए, बीच में हम लोग हैं, वैली इसको कह सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ है। जैसे सस्पेंशन ब्रिज था वैसे ही ये भी है, चारों तरफ पहाड़ है, उसके बीच में एक गार्डन टाइप का बनाया हुआ है। व्यू बहुत अच्छा है, जहाँ भी हम लोग यहाँ जा रहे हैं सब नेचुरल है, सब प्रकृति के करीब है, हरा भरा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब यहाँ क्या एक्सपीरियंस रहता है वो भी देखते हैं। देखिए, अभी हम लोग आए हैं कैंटीन में, थोड़ा सा कुछ खाएंगे, उसके बाद जाएंगे गन शूटिंग, राइफल शूटिंग के लिए। हम लोग अब खा पी के निकल गए हैं और ढूंढ रहे हैं कि राइफल शूटिंग वाला जो एरिया है वो कहाँ है। अभी तक तो नहीं मिला, बहुत सारा एरोज लगा हुआ इधर उधर, लेकिन अभी तक राइफल शूटिंग वाला एरो नहीं दिखा और सारे दिख गए। अभी हम लोग पहुँच रहे हैं, हाँ इधर शायद दिख, हाँ दिख गया, आप लोगों को शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे दिख गया। उस पर लिखा हुआ है राइफल शूटिंग एंड आर्चरी। इधर ही जाएंगे हम लोग वो पार्क से अलग आ गए हैं, एकदम अकेले में जाके हम लोग अब गोली बारूद करेंगे, गन चलाएंगे। अब देखते हैं रियल गन है या कौन सा गन है, देखते हैं। ये आर्चरी का स्पॉट है, उधर राइफल शूटिंग वाला, और हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए वेट करने के लिए, क्योंकि अभी लंच ब्रेक चल रहा है। 5 मिनट बाद लंच ब्रेक खत्म होगा तो हम लोग का फिर टर्न आएगा गन चलाने का। अगर ये असली गन हुआ, रियल गन हुआ, तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा रियल गन चलाने का, जो कि मन था मेरा बहुत टाइम से। यहाँ पे देखिए एक शेर का स्टैचू है, जो कि देख के लगता है कि असली में शेर आ गया है। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि शेर आ गया है, बट जगह बहुत अच्छी है यार, बहुत मस्त जगह है। यही हट में हम लोग बैठ के इंतजार करेंगे, काफी ज्यादा शांति, हरे भरे पेड़, अब हम लोग यहाँ बैठ के इंतजार करेंगे। देखिए, हम लोग हैं अभी पहाड़ों के बीच में, और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं आर्चरी करने के लिए, सॉरी हम लोग जा रहे हैं राइफल शूटिंग करने के लिए, आर्चरी उसके पहले था, हम लोग जा रहे हैं राइफल शूटिंग करने के लिए। अभी था लंच ब्रेक, और देखते हैं लंच ब्रेक खत्म हुआ क्या। इतनी शांति है यहाँ पे, ना गाड़ी की आवाज़ ना इंसानों की आवाज़, बहुत ज़्यादा शांति है। पहाड़ों के बीच में हम लोग पहाड़ों के बीच में हैं, और व्यू भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू है। उधर पीछे है ये अपना शूटिंग वाला रेंज जहाँ पे हम लोग गन चलाएंगे। चलिए देखते हैं। पीछे तो
निशाना लगा के वाह, हाँ हाँ निशाना लगा के फिर तोड़ो। निशाना बढ़िया से लगाओ वो ब्लैक वाले पे। देखिए हम लोग पार्किंग में आ गए हैं। हम लोग का जो राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी था, उसका जो ट्रिप था राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी का, वो अब खत्म हो गया है, एंड हो गया है। आपने देखा था हमने वीडियो यहीं से शुरू किया था और यहीं पे आके ये वाला पार्ट खत्म हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं, टाइम बचेगा तो कहीं और भी जाएंगे, नहीं तो हम लोग को वापस भी लौटना है। चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। अगर जाएंगे तो आपको श्योरली वो देखने को जरूर मिलेगा चैनल पे, या तो इस वीडियो में या तो कोई नए ब्लॉग में। जा रहे हैं हम अपने गाड़ी के पास, वहां से आगे का प्लान डिसाइड होगा।